हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए। आप जानते हैं कि नरेशन का प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रहे हैं और ढेरों क्वेश्चन करवा रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रहे हैं मित्रों। अगर क्लास अगर रेगुलर आप लोग करते होंगे ना, तो यकीन मानिए कि इस सेट हो गया होगा दिमाग में कि नरेशन का एक भी क्वेश्चन आपसे गलत हो जाए। मतलब ना हम क्या कहें यार, एकदम पूरा सेट हो गया होगा। मतलब इस तरह से क्वेश्चन करवा रहे हैं। अब तो देखिए ना, कुछ कुछ क्वेश्चन वैसे आ रहे हैं जो एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछी गई है। तो आप देख सकते हैं मित्रों, ये कैसी स्थिति इन लोगों का है क्वेश्चन का, मतलब कैसा कैसा क्वेश्चन आता है और हमने कैसा कैसा हम करवा दिया कॉन्सेप्ट यार। मतलब ऐसा ऐसा क्वेश्चन करवा दिया कि मतलब जैसा भी क्वेश्चन आया ना, उसको एकदम फोड़िए दीजिएगा। मतलब ऐसा ऐसा हमने क्वेश्चन करवाया। तो ऐसा कोई क्वेश्चन होती है यार, मतलब हम क्या कहें, है ना। थोड़ा सा तेज कर देते हैं लाइट। चलिए ठीक है, अब दिखाई दे रहा होगी अच्छी तरह से। तो देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन जो है, इसका जल्द से जवाब दीजिए। आप लोग ना विद्यार्थियों को क्लास से बुलाकर नहीं ला रहे हैं, लाना चाहिए। अब जानते हैं कितनी मेहनत के साथ हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो आप लोगों को यह कर्तव्य बनता है मित्रों कि विद्यार्थियों को बुलाकर लाएं क्लास में, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स अगर आएँ क्लास में, और सारा क्वेश्चन भी आपको पता चल रहा है, आप क्लास कीजिए रेगुलर। अगर नहीं करते ना, तो आप बहुत ही भूल कर रहे हैं, क्योंकि ये सब साधारण चीज़ नहीं है मित्रों जो हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं रात के 9 बजे। बहुत ही सिंपल चीज़ है, आप जो है से आइए और हम क्वेश्चन कीजिए बेहतरीन तरीके से कीजिए, है ना। एक भी क्वेश्चन जो है से बिहार बोर्ड में फालतू नहीं आएगा अगर आप रेगुलर क्लास करते हैं तो। सारा करवा देंगे धीरे धीरे, है ना, एक एक टॉपिक करवा देंगे, प्रैक्टिस एक एक करवा देंगे। खुद का बनाया हुआ मॉडल सेट भी करवाऊंगा, जो उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। जैसे कि हम सोशल साइंस पे जो बनाते हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आता। 10th क्लास अंडर 10th तक जो हमने पढ़ाता है सोशल साइंस, उसमें मात्र सोशल साइंस पूरे सब्जेक्ट्स 223 क्वेश्चन देते हैं, जिसमें एक भी क्वेश्चन जो है सब बाहर नहीं आता। सारा का सारा ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं, आपको टेंशन नहीं लेने देंगे, आप चिंता कर लेते हैं। उसी प्रकार से मैं इंग्लिश का वैसा क्वेश्चन तैयार करूंगा ना, मतलब कोशिश मेरी रहेगी कि बाहर ना आए, ठीक है। क्योंकि एक्सपेरिमेंट जब तक नहीं करेंगे एक आध साल, तब तक कैसे पता चलेगा, है ना, वो मॉडल सेट का। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहेगी। तो आप लोग जो है क्लास में रेगुलर आप लोग बने रहें। माई फादर सैड टू मी गो होम, लेकिन इतना ज़रूर पता रहता है कि जो मेरे को पता है वो क्लास वो एग्ज़ाम में जो है से बाहर नहीं आता। तो मैं उस हिसाब से मैं बनाऊँगा, तो यह संभावी है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है कि नहीं। माई फादर सैड टू मी, मेरे पिताजी मुझसे कहे गो होम, जाओ घर जाओ। तो यहाँ तो कहीं ना कहीं पिताजी तो ऑर्डर दे रहे हैं ना हमें, कहीं ना कहीं पिताजी ऑर्डर दे रहे हैं, गो होम कह रहे हैं। तो ऑर्डर इम्परेटिव सेंटेंस से गो, क्या है इम्परेटिव सेंटेंस। आप जानते हैं कि वर्ब का बेस फॉर्म से स्टार्ट हुआ, आप लोग तो V1 जानते होंगे, है ना, वर्ब का पहला फॉर्म। लेकिन वास्तव में वर्ब का बेस फॉर्म से इम्परेटिव सेंटेंस जो है से स्टार्ट होती है, ठीक है, देख सकते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस तो है, इसमें तो कोई दोराय नहीं है। तो माई फादर सेड टू मी, सेड टू किसे बदल देंगे, ऑर्डर्ड में, चूँकि ऑर्डर दिया जा रहा है, माई फादर ऑर्डर्ड मी। और इम्परेटिव सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले में दैट नहीं दिया था, टू दिया था, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए जल्द से जल्द आप लोग जो जवाब दीजिएगा। सोलह नंबर 60 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। आशा सेड आई नेवर ईट फिश, आशा ने कहा कि मैं कभी मछली नहीं खाता, मैं कभी नहीं मछली खाता, आई नेवर ईट फिश। तो आशा ने इस बात को कहा है कि नहीं भाई जी, जल्द से आप लोग जवाब दें क्या वास्तविकता है। ऑप्शन आपके सामने दिए रखा है और आप लोग भली भांति जानते होंगे इन चीज़ों को, आप लोग देख भी रहे होंगे, है ना। देखिए और हमने बड़ा कर दिया, तो जवाब दीजिए मित्रों क्या हो सकता है वास्तव में। देखिए तो हम बताते हैं इसका सही जवाब, है ना,
आप लोग इसी तरह कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहे, ठीक है ना। तो कितनी सारे जवाब देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, अपना कमेंट बॉक्स में जवाब देते जाइए, है कि नहीं। आंसर कमेंट देते रहे। आशा सैड, आशा ने कहा कि आई नेवर ईट फिश, मैंने कभी नहीं मछली खाता, तो ठीक है कभी नहीं खाता तो आशा सैड दैट होगा, आशा सैड दैट टोल्ड नहीं होगा, सेज नहीं, जो कि पास्ट का था, प्रेजेंट कैसे होगा। और वैसे भी उसके बाद फिर पोजीशन के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर टोल्ड में कहे बदलेगा, है कि नहीं। तो आशा सैड होगा, सैड होगा। वो तो विकट परिस्थिति होती है जिसमें दिया हुआ जैसे रहता है उसी के अनुसार अकॉर्डिंग को क्वेश्चन के आंसर चेंज करना रहता है। लेकिन अगर मेरे पास सुविधा ही है तो फिर ज़्यादा हम लोग दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करेंगे, है ना। स्थिति परिस्थिति के अनुसार ढलना तो आता होगा ना आपको। तो कमा इन्वर्टेड कमा के बदले दैट लगेंगे। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार आशा है, तो आशा तो महिला ही होगी ना। आशा अगर महिला है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए मित्रों, सी होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। तो सी इसमें है ना कि इसमें, तो इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। हमें तो यही विश्वास रहती है मित्रों कि अब जब क्वेश्चन के ना जैसे ही आप लोग बनाते हुए आगे बढ़ेंगे ना, तो आधा पर जाते ही क्वेश्चन बन जाएगी, कम्प्लीटली बन जाएगी। कितने क्वेश्चन तो जैसे आधा से पहले ही बन जाती है, ये क्या बताए। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार आशा के सी होगा, नेवर एंड नेवर, ईट है ईट, प्रेजेंट इंडिपेंडेंट है पास्ट में ऐट हो गया, चूँकि यह पास्ट का है तो भाई प्रेजेंट का पास्ट होगा। फीस समझ ली, फीस बेहतरीन जवाब, बहुत खूब। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग जल्द से जल्द जवाब दें, क्या सही होगा। ही सेड, उसने कहा, व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, है ना। सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि नहीं, आप बताइए। मतलब एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा है जो छोड़ दिए, कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि हम छोड़ दें। मतलब आप लोगों को ना बिल्कुल लो से हायर लेवल तक करवा दिए हैं। कंपटीशन में भी जाइएगा ना तो इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं आता। मैं सच बोल रहा हूँ यार, विश्वास तो करो, है ना। इफ यू डोंट बिलीव मी देन यू कैन नॉट लर्न एनी पॉइंट, इट इज ऑल्सो राइट, यस आई से दैट, कॉन्फिडेंस विद कॉन्फिडेंस, अंडरस्टैंड। 70 नंबर क्वेश्चन आप लोग जवाब दीजिए। सी सैड, उसने कहा, व्हाट ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, उसने कहा, मतलब व्हाट ब्यूटीफुल प्लेस इट इज यार, ये कितना सुंदर स्थान है, क्या स्थान है यार, क्या बताऊँ। सैड उसने कहा, कमा इन्वर्टेड कमा के बदले दैट होता, चलिए सही बात है, दैट होता, दैट होता, टोड लगाया, इनक्वायर्ड लगाया, गलत, अबाउट, देखते हैं पहले की स्थिति परिस्थिति। ही सेड दैट, इट इज का वाज होना चाहिए लेकिन वाज नहीं, एक्सक्लेम्ड विद थंडर, हाँ ये हो सकता है, एक्सप्लेन किया वंडर के साथ, दैट की कमेंट वर्टेड का मतलब दैट कि इट वाज वेरी, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, मतलब ये होगा, यहाँ पर तो हो ही नहीं सकता है ना। ही एक्सक्लेम्ड विथ वंडर, मतलब एक्सक्लेम्ड आश्चर्यचकित हुआ, किसके साथ, आश्चर्य के साथ, वंडर, दैट कॉमन वेटेड कॉमा कि इट वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, किया क्या है, बहुत ही सुंदर स्थान। 80 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दें। सी सैड टू मी, उसने मुझसे कहा कि, बोली कि, हैव यू सीन माई मोबाइल, क्या तुमने मेरी मोबाइल देखी है, नहीं भैया मैंने तो नहीं देखी है, मैंने तो नहीं देखी मोबाइल, आई हैव नॉट सीन ए मोबाइल, नो सर नो, आई हैव नॉट सीन ए मोबाइल, हैव यू सीन मोबाइल, सीन माई मोबाइल, नो नो आई हैव नॉट सीन यू मोबाइल, अंडरस्टैंड, यस सर अंडरस्टैंड, देन आई वॉन्ट टू से दैट प्लेज, गिव मी आंसर्स इन कमेंट बॉक्स, गिव मी द क्वेश्चन 80 नंबर्स, अंडरस्टैंड। 18 नंबर क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, है ना। तो जल्द से जल्द आप लोग जवाब दें, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आप लोग को कहना ही क्या है, आप लोग तो बिल्कुल, अब तो कोई गलती ही नहीं आप लोगों से हो, चलिए जवाब दें। इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना,
अगर इंटरगेटिव सेंटेंस है, मैं जानता हूँ कि इंटरगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीका है। अगर यह इंटरगेटिव सेंटेंस है क्या है, अगर यह इंटरगेटिव सेंटेंस है क्या है, अगर इंटरगेटिव सेंटेंस है तो क्या है, तो सैड टू जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, जो सैड रिपोर्टिंग वर्ब होता है, किसे बदलना है, आस्ट में। तो आस्ट किस में है, इसमें है, इसमें नहीं है, नहीं टोल्ड है, गलत। चलिए इसके बाद, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। तो इसके बाद देखिए, तो बचा क्या भैया, तो बचा तो यार फर्स्ट, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही जो, मतलब इस तरह से आंसर सही बनाएगा तो बताइए कहाँ रहिएगा। अरे भाई ज़मीन पर ही रहेंगे, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट पक्का है। मुझे कितना अच्छा लगता है ना जब कॉन्सेप्ट के द्वारा आप लोग क्वेश्चन को फोड़ते हैं, तो कितना अच्छा लगता है ना, कितनी खुशी महसूस होती है। लेकिन दुखी इस बात की होती है कि आप लोग क्लास में बच्चों को, विद्यार्थियों को बुलाकर नहीं लाते अपने दोस्तों को, जो कि इतना सारा मेहनत करके आप लोगों के लिए तैयार करता हूँ, आई हैव नो टाइम। लेकिन क्या करूँ, फिर भी मैं आप लोगों के लिए लाता हूँ, मेरे पास समय उतना रहे चाहे नहीं रहे, कोशिश करता हूँ। सी सैड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ या वेदर लगता है, बहुत अच्छा। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार मी है तो आई हो जाएगा, हैव हैज का हेड हो जाएगा, सी एन है भीतरी भीतरी, हर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सी का था फिर हर मोबाइल हो जाएगा। पजेसिव ऑब्जेक्टिव चाहिए, नाउन से पहले पजेसिव ऑब्जेक्टिव चाहिए, ठीक है ना। पजेसिव देखिए, प्रोनाउन के साथ नाउन हमेशा साथ में रह नहीं सकता, तो फिर यह नाउन है तो प्रोनाउन कैसे होगा, पजेसिव ऑब्जेक्टिव है, एडजेक्टिव है, हर कोई प्रोनाउन नहीं होता है, एडजेक्टिव होता है ना, हर कोई प्रोनाउन नहीं होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। 18वां 19वां नंबर क्वेश्चन का आप लोग जल्द से जवाब दें, कौन सा सही होगा। रीता आस्ट मीता व्हाट इज द प्रॉब्लम, रीता ने मीता से कहा, बोली कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या समस्या, आप लोग जल्द से इसका आंसर कमेंट करेंगे, मतलब कैसी समस्या है, नहीं समस्या, आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। देखिए इसमें क्वेश्चन जो है बहुत सारा है, 19-20 हो गया, 21 हो गया, 22-23-24-25-26-27-28-29-30, मतलब क्वेश्चन ढेर सारा है, आपको कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन तो बहुत सारा है। रीता आस्ट मीता, रीता ने मीता से कहा व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या समस्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मित्रों की स्थिति क्या है, देख सकते हैं, रीता ने मीता से कहा व्हाट इज द प्रॉब्लम, तो देखिए यहाँ पर स्थिति क्या, रीता आस्ट मीता व्हाट इज द प्रॉब्लम, तो रीता ने मीता से कहा कि क्या समस्या है। तो आप देख सकते हैं मित्रों की इंटरगेटिव है सेंटेंस, तो आस्ट तो रहेंगे ही, तो रीता सेट टू नहीं होगा, आस्ट मीता होगा, सेट टू नहीं होगा, आस्ट मीता होगा, कंजक्शन ही हो जाता है डब्ल्यू एच वाला ही, तो हो जाएगा व्हाट। इसके बाद सब्जेक्ट चाहिए, इसके बाद क्या चाहिए, सब्जेक्ट द प्रॉब्लम, एम जार का वाज वेर बदल जाएगा वाज, तो व्हाट द प्रॉब्लम वाज, टी ऑप्शन बिल्कुल सही जो, ठीक है। डायरेक्ट व्हाट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल करना होगा, कंजक्शन अगर बीच में आता है व्हाट तब ठीक है, अगर बीच में नहीं आता है तो फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, सी सैड आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, उसने बोली कि आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, मैंने अपना क्या किया है, काम पूरा कर लिया। तो आप लोग इसका जवाब दीजिए कौन सा सही होता है, बोली है तो ठीक। तो यहाँ पर आप लोग जल्द से आंसर कमेंट करेंगे, आपके सबने ऑप्शन दे रखा है ना, ऑप्शन तो आपके सामने है। तो सी सेड आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, तो उसने बोली, तो इससे आप देख सकते हैं मित्रों कि असर्टिव सेंटेंस है, और असर्टिव सेंटेंस है तो आप सेड के बदले आप सेड ही लग रहेगा, या फिर टोल्ड में बदलेंगे तो सेड दैट हो जाएगा, और फिर ऑब्जेक्टिव नहीं है फिर पोजिशन के बाद कि टोल्ड बदला जाए, ऐसी फिलहाल रहेंगे, अगर नहीं रहेगा तो बाद में हम देखेंगे। सी सेड दैट, ठीक है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सी, तो फिर सी हो रहेंगे, सी रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हेड चाहिए, हेड चाहिए, फिर फिनिश्ड होगा, फिर हर वर्क होगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सी का हर हो जाएगा, तो ऑप्शन बिल्कुल सही जो, सी सेड दैट, सी हैड फिनिश्ड हर वर्क। ट्वेंटी वन नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दें, द एम्परर सेड, एम्परर मतलब जो सम्राट था उसने कहा, माय वाइफ इज ब्यूटीफुल, कि मेरी पत्नी जो है से बहुत सुंदर है, ठीक है, सुंदर रहता था। द एम्परर सेड
माई वाइफ इज ब्यूटीफुल, इम्पीरियल सम्राट ने कहा कि माई वाइफ इज ब्यूटीफुल, मेरी पत्नी जो ऐसे सुंदर है। तो आप देख सकते हैं इम्पीरियल ने बोला तो इम्पीरियल सेड दैट होगा, इम्पीरियल क्या होगा सेड दैट, सेड फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार इम्पीरियल है सम्राट तो फिर हिज वाइफ होगा, माई वाला तो गया काम से, एम एज आर का वाज बदल जाएगा चूँकि ये पास्ट का है तो फिर पास्ट का, तो ये गया काम से, मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल सही जो कितना आसानी से हम लोग बना लेते हैं। अरे भाई यहाँ पे एम एज आर है तो यहाँ पे एम एज आर थोड़े रहेगा, वाज बेर हो जाएगा चूँकि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब देखिए ना पास्ट टेंस का है तो फिर टेंस में बदलाव होगा ना, सारा कॉन्सेप्ट हम बदलाएँ। असर्टिव सेंटेंस रहना पर दैट कंजक्शन, इंपरेटिव रहे तो टू कंजक्शन, ये सारा चीज़ तो हमने बताया है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, ही सेड उसने कहा आई एम प्लानिंग टू माइग्रेट, उसने कहा कि मैं आई एम प्लानिंग टू माइग्रेट है ना, मतलब कहीं जाने के लिए क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं है ना, जिस प्रकार से शरणार्थी होते हैं कहीं जाते हैं तो मिलते हैं उसी प्रकार से भी है। तो फिर आप देख सकते हैं सेड उसने कहा, सेड सेड होगा, कमेंट बट छुटका बोले दैट लगेंगे, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट कौन सा रही एम एज आर का वाज वेर बदल जाएगा चूँकि पास्ट का है तो पास्ट वाज, लेकिन आई नहीं ना होगा, आई नहीं और यहाँ इज दे रखा तो वाज ही हो गया ना, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही जो देख रहे हैं ना, कितना बेहतरीन तरीके से हम लोग जवाब दे पा रहे हैं ना, मतलब कितने ऑप्शन तो ऐसे ही कर जाता है यार, मतलब आप लोगों को ना थोड़ा सा ध्यान देना की जरूरत है। 23वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन, आप अगर समय से 9 बजे अगर नहीं पढ़िएगा तो आप क्लास छूट जाएगा, आपको लगेगा कि हम तो बाद में पढ़ लेंगे, तो वैसे होता है कि कभी कभी कुछ काम आ जाते हैं जीवन में, तो ज़िंदगी तो आप जानते हैं कि जीवन में तो सारी जो परिस्थितियाँ एक समान तो होती नहीं, कभी दुख कभी सुख आते रहती, तो इसी तरह से जैसे 9 बजे रात को आप ना ज्वाइन जरूर हो, ठीक है ना, वैसे कभी भी पढ़ सकते हैं लेकिन आप 9 बजे ज्वाइन होंगे क्लास में, आपको टेंशन भी नहीं रहेगा, आप समझिएगा कि 9 बजे हमको जाना है ट्यूशन करने जाना है, मतलब ऑनलाइन करने जाना है, तो इस तरह से आप लोग पढ़िए। देखिए अगला क्वेश्चन है, द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट, मास्टर ने अपने नौकर से बोला कि क्लोज द डोर, दरवाजे बंद कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मित्रों कि मास्टर ने कहा अपने नौकर से, तो मास्टर अगर नौकर से कहा तो फिर तो सलाह थोड़ा देगा, ऑर्डर देगा, तो ऑर्डर्ड होगा एडवाइज नहीं होगा, सेड टू नहीं होगा, इंक्वायर्ड कुछ ही होगा जी, द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू क्लोज द डोर, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। देख रहे हैं ना किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है, तो क्या हम यहीं पे जवाब यहीं जो है से क्लास बंद कर दें, आप लोग बोलिए, जैसा आप लोग बोलिएगा वैसा ही होगा। तो लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, सोनक अलग देख लेते हैं, सोनक सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है ना, द सन राइजेज इन द ईस्ट, आपके सामने ऑप्शन दे रखा है, देखिए क्वेश्चन 24 का ए है फिर बी इधर है सी है डी है, देखिए जवाब दीजिए। सोनक ने कहा, क्या कहा सोनक ने, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो भाई सूरज तो पूरब में उगते हैं, तो क्या दिखे थे सेड दैट होगा, सोनक सेड दैट, फिर द सन राइजेज इन द ईस्ट होगा, रोज नहीं होगा, इज राइजिंग नहीं होगा, आज राइजिंग, मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। और 24 करिए लें तो 25 पूरे कर लेते हैं, है कि नहीं, 25 तक हो जाएगी, आई क्वेश्चन फिर कल करेंगे। आई सेड टू हर, मैंने उनसे कहा आई एम ए गुड प्लेयर, मैं अच्छा खिलाड़ी हूँ, तो इसका आप लोग जवाब दीजिए, जल्द से जवाब दीजिए, बहुत बेहतरीन जवाब है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं आई सेड टू हर, मैंने उनसे कहा आई एम ए गुड प्लेयर, जल्दी से आंसर कमेंट करें। 2019 से पूछा गया, सारा क्वेश्चन पूछा हुआ, देख सकते हैं मित्रों, आई सेड टू हर आई एम ए गुड प्लेयर, तो फिर आप देख सकते हैं कि यह असर्टिव सेंटेंस है, तो इसमें जो है सेड टू का टोल्ड में बदल जाएगा, सेड नहीं रहेगा टोल्ड बदल जाएगा, सेड टू नहीं रहेगा टोल्ड बदल, तो इस टोल्ड होल्ड हर कॉमन बटेड कॉमन बदले दैट लगेंगे, दैट लगेंगे, एम एज आर है आप जानते हैं कि पास्ट है तो फिर वाज बेर हो जाएगा, तो वाज बेर होगा, एम एज आर नहीं रहेगा, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह से ना हम लोग आंसर को काटते हैं और सही क्वेश्चन तक पहुँचते हैं, यही मेथड सबसे अच्छा होता है, सबसे पहले आप काटना सीख जाइए अपने आप जान जाएंगे, ठीक है। तो अच्छा वीडियो लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मित्रों, अगर इस यूट्यूब चैनल पर नया है तो, ठीक है। सभी विद्यार्थियों गुड नाइट मित्रों, सभी विद्यार्थियों गुड नाइट, अच्छे से आप लोग रहिए, ठीक है। आप लोग सबसे पहले आंसर कमेंट कीजिए कि कितना में कितना सही हुआ आप लोगों का, बताइए कितना में कितना सही हुआ, लगभग हमने शायद 15 से क्वेश्चन से करवा रहा है 25 तक, मतलब 10 नंबर बताइए कितना सही हुआ आप लोग को, कितनी गलतियाँ हुई है ना, कैलकुलेट करके बता दीजिए मेरे को।
ठीक है ना, आप लोगों का एवरेज स्कोर जा रहा है, सही स्कोर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जो कितना सारा प्रैक्टिस करवाए हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ठीक है, क्लास को एंड करते हैं। मस्त रहिए, बढ़िया से स्वस्थ रहिए।